एक गारवी करने वाले और करे कि हौसे पास की निगाह के सामने कोई गुनाह का काम होता ना, आप जलाल में आ जाते, आप जला, आपके वालिद पे भी मिजाज थी। लेकिन आज क्या हौसे पास की ग्यारहवी के नाम पर जबरदस्ती चंदा वसूल किया जाता है, और जबरदस्ती जो है चंदा वसूल भी किया जाता है, और फिर बाजा भी माशाल्लाह बजाया जाता है के सामने। फोन सिलेंडर रख लीजिए, आप तो बाहर जाके बात कर लीजिए, मेरी तरफ नजर, मेरी तरफ रख, मेरी तरफ। लिहाजा यहाँ अहम तुमने बता रहा हूँ, बाजा हराम है। अरे भाई, एक सैयद बादशाह, बादशाह भी सैयद था, अब्बासी सैयद, वो आया हौसे पाक की बारगाह में, कहा हुजूर ये सोने के सिक्के मैं हदिया देना चाहता हूँ, आपने फरमाया नहीं होना, देख जाओ, देख जाओ। अरे सैयद है अब्बासी सैयद, उन्होंने कहा हुजूर बड़ी मोहब्बत से लाया हूँ, ले लीजिए, सोने के सिक्के थे, उस दौर में वही चलते थे ना, कहा ले लीजिए मैं हदिया ले रहा हूँ, सिक्के मेरा क्यों नहीं लेते। हौसे आजम को जलाल आया, आपने उस सोने के सिक्के की पोटली को लिया, निचोड़ा, खून निकलने लगा। वहां लोगों का खून चूस कर अपने माल में जमा करता, वो हदिया ना कहने देता। अगर तू सैयद ना होता तो ये खून मैं तेरे महल तक पहुंचाता, तेरा महल डूब जाता। बादशाह के खजानों में गरीबों का, यतीमों का, सबका माल खींचा हुआ माल जमा हो जाता ना, हलाल हराम सब जमा होता ना, ये इशारा दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कौशिक पाक बर्दाश्त ना करे, जलाल में आ जाए, तुम चंदा जबरदस्ती का कर कर गैरों से लाओ चंदा ग्यारहवीं का, कौशिक पाक की ग्यारहवीं बाजा बजा कर ग्यारहवीं कर रहे हो, कबूल होगा नहीं होगा? अभी तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे हौसे पाक की नजर से। क्यों नहीं ये भाई, तुम्हारी जितनी ताकत हो उतनी ताकत से ग्यारहवीं करो। हाँ, जो ग्यारहवीं करते हो खुश नसीब होते।